नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैट्स के बारे में, वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी या दूरबीन की थोरैसिक सर्जरी या की होल थोरैसिक सर्जरी के बारे में, जो कि बड़ी कॉमनली लोगों को ये शब्द सुनने को मिलता है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक वैट्स सर्जन हूँ या थोरैसिक सर्जन हूँ। मेदांता द मेडिसिटी में मैं काम करता हूँ एज कंसल्टेंट थोरैसिक सर्जन। तो वैट्स क्या होता है? वैट्स का पूरा अर्थ है वीडियो असिस्टेड थोरैसिक या वीडियो असिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी, या दूरबीन की चेस्ट की सर्जरी, की होल चेस्ट सर्जरी भी कहते हैं कई लोग इसको। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ओपन सर्जरी क्या हुआ करती थी, जो हम पहले ज़माने में किया करते थे या अब भी कई केसेस में करते हैं। तो ओपन सर्जरी में एक कट दिया जाता था जो यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा ये पीठ तक पीछे जाता है, जिसके बाद मसल्स को काटा जाता है, रिब्स को स्प्रेड किया जाता है औजारों की मदद से, और हमारे हाथ अंदर जाते हैं और वो सर्जरी कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रॉमा होता है ये सर्जरी करने के बाद, जब हम पूरी छाती खोल देते हैं। ये सर्जरी बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली हमारे पास पूरा एक्सेस होता है, हम अंदर के ऑर्गन से जो भी हम करना चाहते हैं कर पाते हैं। बट क्योंकि इसमें रिब्स टूटती हैं, रिब्स के फ्रैक्चर होते हैं, तो पेशेंट की जो रिकवरी होती है या पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होती है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, खून ज़्यादा बहता है, पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब क्या करें इस सर्जरी को ईजी बनाने के लिए? तो जब जब एडवांसमेंट्स होने लगे सर्जरी में, तो देखा गया कि यही सर्जरी हम वैट्स के द्वारा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वैट्स क्या होता है? तो वैट्स होता है दूरबीन को छोटे छोटे तीन या चार छेदों से डाला जाता है। एक छेद में दूरबीन जाती है और बाकी छेदों में हमारे औजार जाते हैं, जिसकी मदद से वही सर्जरी जो हम ओपन में किया करते थे, अब हम उसको इन दूरबीन और औजारों की मदद से कर सकते हैं। तो सर्जरी वही रहती है, सर्जरी के प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, ऑन्कोलॉजिकल या कैंसर के प्रिंसिपल वही रहते हैं, पर सर्जरी करने का जो एक्सेस है और उसकी जो मॉर्बिडिटी है, जो उसकी तकलीफ़ है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ये पिछले 10-15 साल में डेवलप हुआ है, हमें इसको सीखने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब हम इसमें निपुण हैं। हमारे सेंटर पर ये सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है। किस किस में वैट सर्जरी का रोल आता है? तो जो भी सर्जरी हम ओपन में किया करते थे आज से कुछ साल पहले, या अभी भी कई करते हैं, उन सब सर्जरीज को दूरबीन के द्वारा किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं? ये सर्जरी जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमें पूरी छाती खोलनी और बंद नहीं करनी पड़ती। इस सर्जरी में ब्लड लॉस काफ़ी कम रहता है, जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होती है बहुत अच्छी होती है, पेन बहुत कम होता है, पेशेंट अगले दिन आराम से ट्रेडमिल पे भाग पाता है, उसकी 3 से 4 दिन में छुट्टी हो जाती है, उसके बाद वो अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ रीगेन करने में उसे 8 से 10 दिन का समय लगता है, और वो अपनी नौकरी पे भी वापस जा सकता है। तो हमने देखा कि जो सर्जरी कुछ एक सवा महीने के अंदर पेशेंट रिकवर हो पाता था, वो 5 से 10 दिन में रिकवर हो जाता है। यही एडवांटेज है वैट सर्जरी की। कई पेपर्स आए हैं अब इस सर्जरी पे, जो इसको बराबर मानते हैं ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में ओपन सर्जरी के। इसमें हिंदुस्तान में मैक्सिमम पेपर जो हैं वो हमारी टीम के, हमारे सेंटर के हैं, जिसमें हमने ये प्रूव किया है कि जो दूरबीन की सर्जरी है वो बराबर है ओपन सर्जरी के कई चीज़ों में, और कई चीज़ों में बहुत बेहतर भी है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ओपन सर्जरी से वैट सर्जरी का? तो मेरा सीधा सा आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अमूमन आप देखेंगे कि ओपन सर्जरी की कई बार कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना पड़ता है, और दूरबीन की सर्जरी के बाद हम पेशेंट को 3 से 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो दूरबीन की सर्जरी की कम पड़ती है। और भी कई कई भ्रांतियाँ हैं वैट्स की सर्जरी को लेकर, क्या सर्जरी पूरी की जा सकती है? तो जो कुछ ओपन सर्जरी में हम कर पाते थे और करते हैं, वो सब कुछ दूरबीन की सर्जरी के द्वारा किया जाता है। थैंक यू। नमस्कार।